नमस्कार बच्चों, आज अपने दूसरा भाग करते हैं आपके द्वितीय अध्याय का, जिसमें अपने पहले भाग में मिट्टी तक समझा था कि मिट्टी क्या है, किस प्रकार से मिट्टी बनती है, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि जैविक शैलें हैं, खनिज है, उच्चावच है, मानवीय क्रियाएं हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक पार्ट हैं मिट्टी बनने के प्रोसेस के। ऐसा माना जाता है कि अपने जो 1 सेंटीमीटर क्षेत्र है उसमें के अंदर जो मिट्टी के दाने अपने देखते हैं उसको भी बनने में सैकड़ों साल लगे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जीव, खनिज, ये सारी चीज़ें क्या हैं या जैविक शैलें हैं, वो मिट्टी को बनने में क्या है, एक प्रकार से कार्य करती हैं, एक छोटा सा अपना रोल अदा करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी निर्माण के कारक, उसको हमने पढ़ा कि जैविक शैलें या उसके अलावा खनिज या फिर उच्चावच है, तापमान है, जलवायु है, वर्षा की मात्रा कितनी है यानी वहाँ वर्षा कितनी होती है, ये सारी चीज़ें अपने मिट्टी के निर्माण के कारकों के रूप में पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय, कि मिट्टी का निम्नीकरण का अर्थ क्या हो गया। मिट्टी के निम्नीकरण का अर्थ है कि मिट्टी के अंदर कमी आना, उसके जो मिट्टी है उसके गुणों में अंदर कमी आना, या मिट्टी का जो क्षेत्र है वो एक साथ मिट्टी बहा के ले जाए या फिर मिट्टी वहाँ से हट जाए, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाए, मिट्टी के खनिज लवणों में कमी आ जाए, तो ये क्या है, मिट्टी निम्नीकरण के प्रकार हैं। तो मिट्टी निम्नीकरण या मिट्टी के अपक्षय होना, मिट्टी का अपरदन होना, निम्नीकरण होना, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और उसके संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं जो आपने 6 लिखे हैं वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि मिट्टी का निम्नीकरण किस कारण से होता है वो देखते हैं। कि मिट्टी का निम्नीकरण होता है भाई, मृदा की क्षीणता 2 कारणों के कारण होती है, जिसे जो मुख्य खतरे होते हैं मिट्टी के न्यूनीकरण के वो संख्या में कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। एक तो होता है मानवीय और एक होता है भौतिक यानी पर्यावरणीय तरीके से मिट्टी में अपक्षय होना, वो तो क्या है, भौतिक कारण है। और दूसरा क्या है कि मिट्टी के मानवीय कारक है, ठीक है। तो मानवीय कारकों के अंतर्गत क्या है अपने जानेंगे, जैसे उर्वरक ज़्यादा डालना, ठीक है, कीटनाशकों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, प्रतिभूमि न छोड़ना यानी 1 वर्ष के लिए भूमि को खाली न छोड़ना, ये सारे क्या हैं, मानवीय कारक हैं। मानवीय के अलावा प्राकृतिक कारक भी होते हैं, जैसे रस क्या है, पवनों के साथ मिट्टी का कटाव होना, जल के साथ मिट्टी का बहकर चले जाना, ठीक है, या जो खनिज लवण हैं उनमें की मात्रा तापमान के कारण लगातार कम होना, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, वर्षा कैसी हो रही है वहाँ पर, कितनी मात्रा में हो रही है, भूसंकलन होना, बाढ़ आना यानी भूसंकलन होना या बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, भौतिक कारणों के अंतर्गत आती हैं। मानवीय कारणों में भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे अतिचारण करना यानी पशुओं को वहाँ पर लंबे समय तक चराते रहना, तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है। वनस्पति नष्ट होने के कारण क्या होगा कि जो महामिट्टी है उसमें कटाव होना क्या हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा, या मिट्टी में कटाव बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में तेज गति के साथ मिट्टी में कटाव होगा। तो ये सारे कारण हैं मानवीय और प्राकृतिक रूप से या कह सकते हो भौतिक रूप से। इसके अलावा वन उन्मूलन यानी वनों को हटाना या रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों के बारे में ये मैंने बता दिया आपको। तो अब देखते हैं कि मिट्टी के निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि भूसंकलन क्या होता है। भूसंकलन क्या होता है ये समझ लीजिए आप, पॉइंट आपके
चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाढ़ के बारे में आपने पढ़ा है कि अचानक से नदी में जल की मात्रा का बढ़ जाना, समुंदर में जल की मात्रा का बढ़ जाना के कारण तो सुनामी आती है, और नदी में अगर जल की मात्रा बढ़ जाती है तो बाढ़ आती है। नीचे भूगोलिक हलचल होने के कारण भूकंप आते हैं। वैसे ही क्या है, भूसंकलन किन कारणों से आते हैं या भूसंकलन कैसे होता है, भूसंकलन में क्या होता है वो देखिए। भूसंकलन के समय क्या होगा कि जो ढाल है किसी पहाड़ की या पहाड़ की चोटी है, बड़ा पठार है, उसमें लगातार कटाव होने के कारण, भूकंप आने के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण यानी ज्वालामुखी का उद्गार निकलने के कारण, ये सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, भूसंकलन होता है। और भूसंकलन होने के समय क्या हो जाता है भाई कि वहाँ उस क्षेत्र में क्या है, दरार के रूप में दिखाई देने लग जाता है या मलबा ढह जाता है, ढाल गिर जाती है, मिट्टी का बहुत ज़्यादा संचलन हो जाता है वहाँ से। मान लीजिए ये कोई चट्टानी भूभाग था, इसके यहाँ पर क्या है लगातार कटाव हो रहा था, भूकंप आया उसके कारण या ज्वालामुखी हुआ उसके कारण, ये जो क्षेत्र है वो अचानक से ढह जाता है, मिट्टी का अचानक से बहुत ज़्यादा कटाव आ जाता है और ये यहाँ नीचे गिर जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से भूसंकलन है, यानी यहाँ की जो भूमि थी वो खिसक गई और इधर गिरने लगी। या बीच में भी कई बार ऐसी दरार आ जाती है भूकंप के कारण, ज्वालामुखी फटने के कारण, तो ये क्या है भूसंकलन के रूप में प्रतीत होता है, जैसे भूमि क्या है खिसक कर दूर हो गई हो, ऐसा हमें लगता है, तो ये भूसंकलन कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं या फसलें हैं या वहाँ पर जो घर वगैरह बनाए हुए थे, सड़कें बनाई हुई थी इत्यादि जो संसाधन बनाए हुए थे मानव ने, वो क्या है उनका नुकसान होता है। कई बार जानें भी चली जाती हैं, लोग उस भूस्खलन के दौरान बीच में खाई में या दरार में फंस जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये बहुत सारी नुकसान की चीज़ें हैं भूस्खलन के कारण। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए भी कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर होता है, तो उस क्षेत्र में क्या है प्रतिरोधी दीवार बनानी चाहिए, प्रतिरोधी दीवार बनानी चाहिए और उस दीवार की सहायता के से क्या है वो जो चट्टानें गिरेंगी तो वो रोड वगैरह पर या भारी नुकसान करवाने के जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं, उससे फ़ायदा हो सकता है। ओ साथ ही साथ ऐसा क्या है भूगोलवेता जो हैं उनको पता लगाना चाहिए और उन जगहों को इंगित कर देना चाहिए जो क्या है भूसंकलन के लिए उत्तम क्षेत्र हैं या जहां पर भूसंकलन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, वो क्षेत्रों को प्रदर्शित करना चाहिए ताकि लोग वहां से दूर रह सकें, अलग रह सकें और लोगों की जान माल का नुकसान न हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं भी कि जो स्थायी अपवाह होता है, जैसे पहाड़ी ढाल पर अपवाह हो रहा है, उसको अवरोध करके, अवरोध का मतलब ये नहीं है कि वहाँ एक जगह ही पानी को रोक दिया जाए, एक जगह ही पानी का रोक देने के कारण तो क्या है पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अवरोध बनाने का मतलब है कि उसको थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या है उसकी जो तीव्रता है जल की बहने की उसको कम किया जाए, ठीक है, चाहे उसको में थोड़े थोड़े बीच में मिट्टी डालकर या किसी अन्य तरीके से जो बहने की तीव्रता है, जो जल जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड को कम करने से भी क्या है फ़ायदा हो सकता है, अवरोध बनाने से भी फ़ायदा हो सकता है, जिससे क्या है कटाव नहीं होगा और भूसंकलन क्या है होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई वनस्पति को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, यानी वहाँ अगर पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा, कटाव नहीं होगा मिट्टी के अंदर, अपक्षय नहीं होगा, अपरदन नहीं होगा, जिसके कारण मिट्टी अचानक जल्दी से क्या है खिसकेगी नहीं, कटेगी नहीं और उससे का फ़ायदा क्या होगा कि भूसंकलन नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ों को फायदा करके अपने क्या है भूसंकलन जैसी आपदा या प्राकृतिक आपदा जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में, वहाँ उस भूसंकलन जैसी आपदा को क्या है अपने रोक सकते हैं और बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं इन सभी कार्यों से। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि मृदा निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण के बारे में मैंने बता दिया, अपरदन होना, अपक्षय होना, क्षीण होना मात्रा, किन किन कारणों से, ज़्यादा वनों की कटाई करने से या पशुओं को चराने के कारण से, उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करने से, कीटनाशकों का अधिक इस्तेमाल करने से, ठीक है, या फिर जल की स्पीड के कारण वहाँ कटाव होता है, पवनों के कारण कटाव होता है, तो इन सभी के कारण क्या है अपने
निम्नीकरण होता है मृदा का, उस निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें वो देखते हैं। सबसे पहला है मल्च बनाना। क्या है? मल्च बनाना। मल्च बनाने का मतलब हो गया कि जो जैव पदार्थ हैं जैसे परवाल हैं, उनसे क्या है भूमि का जो अनावर्तित भाग है उसको ढक दिया जाए। यानी परवाल जैसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव जो होते हैं, परवाल जो जीव होते हैं, या इस प्रकार के जीवों का इस्तेमाल करके क्या है जो ऊपर का अनावर्तित भाग है, मान लीजिए ये मिट्टी के अंश हैं, यहाँ पर क्या है मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो यहाँ पर क्या है परवाल ये जैसे जीवों को बढ़ा दिया जाए, छोटे मोटे घास उगा दिया जाए, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा इस मिट्टी की ह्यूमस मात्रा बनी रहेगी ऊपर की जो, ठीक है, आर्द्रता बनी रहेगी इसकी, जिसके कारण क्या होगा इसमें संगठन बना रहेगा, पकड़ के रखेगी मिट्टी पूरे को, ठीक है। जैसे गिल्ली मिट्टी क्या होती है एक साथ जुड़ जाती है जबकि सूखी मिट्टी नहीं जुड़ती है, तो ये आर्द्रता जब तक बनी रहेगी ये मिट्टी क्या है एक दूसरे के कणों से ये क्या है कण जुड़े रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा कटाव होना मुश्किल होगा या कटाव धीरे होगा। नेक्स्ट होगा वेदिका फार्म। नेक्स्ट क्या है? वेदिका फार्म। ये इस प्रकार के जो फार्म होते हैं ये अपने पहाड़ी ढालों में असम वैसे क्षेत्रों में जहाँ चीन चाय की खेती होती है वहाँ देखे होंगे ऐसे भागों में। मान लीजिए ये पहाड़ी ढाल है, अब यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको भी अपने जीवन जीने के लिए जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं जैसे ये पहाड़ी ढाल था, ठीक है, इसको क्या है समतल करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे समतल करते जाएंगे ये, और ये पहाड़ी ढालों को समतल करके लगातार क्या करते जाएंगे वहाँ पर, या फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ समतल कर लिया, ठीक है, तो वो इस प्रकार से समतल करते हैं उसको, काट कर खोद कर मिट्टी को, ठीक है, सीढ़ी जैसे बना देते हैं, यानी पहले पहाड़ सीधा था उसको क्या है सीढ़ी के रूप में तैयार कर देते हैं, ताकि ये जो क्षेत्र है ये क्या हो गया अब समतल हो गया, इसकी ढलान ज़्यादा नहीं रही है, पहले जितनी तेज ढाल थी उतनी तेज ढाल नहीं रही है, जिसके फायदा क्या होगा यहाँ पर एक तो खेती की जा सकेगी। नेक्स्ट क्या होगा अगर ढाल तेज होगी तो मान लीजिए यहाँ एक ड्रॉप पानी गया ये वो फुल स्पीड से जाएगी एक ड्रॉप भी, लेकिन यहाँ भी यहाँ क्या होगा यहाँ पानी को अवरोध मिल गया वो रुक गया है, उसको ढाल क्या है निमन हो गई, यहाँ तेज हुई तो दोबारा निमन होगी, यहाँ तेज तो दोबारा निमन, इस प्रकार से क्या है ढाल को अवरोध कर दिया गया है या उसकी जो पानी की गति है तेजी है उसको अवरोधित करने का कार्य ये वेदिका फार्म करते हैं। नेक्स्ट फार्म क्या है? वेदिका फार्म यानी सीढ़ीनुमा खेत बनाना। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वेदिका फार्म बनाकर क्या करते हैं इस प्रकार के मिट्टी के अपरदन को, मिट्टी के अपशय को, मिट्टी के निम्नीकरण को क्या है रोका जा सकता है। उसके नेक्स्ट क्या आएगा अपना पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे देखिए समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई के अंतर्गत क्या होता है भाई कि जो पहाड़ी ढाल होती हैं उनके समांतर जुताई की जाती है, पहाड़ी ढालों के क्या है समांतर जुताई की जाती है और नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध निर्माण किया जाता है। यानी ये पहाड़ी ढाल है तो इसके समांतर जुताई करेंगे वो, ठीक है, इसके बराबर चलती जाएगी वो चीज़ें, ठीक है, इस प्रकार से यानी पहाड़ का क्या है ये वाला जो क्षेत्र है उसके हिसाब से देखिए, तो ये वाला क्षेत्र तो यहाँ समांतर रूप से क्या है उसके ढाल के वो खेती के लिए जुताई करेंगे। समोच्च रेखीय मतलब लगभग उस ऊंचाई के अनुसार रेखा बनाकर क्या है या एक रेखा के रूप में वो छोटे छोटे खेतों में डिवाइड कर लेते हैं उसको, जिसके कारण क्या होगा अब पानी बहकर आ रहा है वर्षा का है चाहे नदी का पानी के आगे तो फसल लगाएंगे नहीं, तो वर्षा का पानी है उसी के कारण भूसंकलन ज़्यादातर होता है, तो प्राकृतिक अवरोध बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगी अब वनस्पति मौजूद है और वनस्पति जैसे आपने देखा होगा किसी छोटे से पौधे की जड़ को उखाड़ कर तो वो अपने साथ क्या है मिट्टी को भी उखाड़ कर लाता है क्योंकि वो उस जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं उसको एक साथ जोड़ के रखती हैं, तो वैसे ही क्या है जो पौधे होंगे वनस्पति होंगी वो यहाँ की मिट्टी को जोड़ के रखेंगी और कटाव नहीं होने देंगी जिसके कारण क्या होगा फायदा होगा। उसी के साथ देखिए समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, तो ये तो क्या है समोच्च रेखीय जुताई हो गई, ठीक है, जुताई की है लगातार, और ये क्या है जो
प्राकृतिक वनस्पति हमने यहाँ पर लगाई है, चाहे फसल है वगैरह है, ये क्या बन गई? रोधिकाएँ बन गई, रोध बन गया है, ये अवरोध के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है, तो एक ही पॉइंट में क्या है, अपने दो पॉइंट पूरे होते हैं। क्या क्या कि समोच्च रेखीय जुताई जो पहाड़ी की ढाल है उसके समांतर चलकर क्या है जुताई की जाएगी, और फिर क्या है ये रोधिकाएँ तैयार कर दी जाएंगी, जिसके फायदा क्या होगा कि मिट्टी बहकर उसके साथ नहीं जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना रक्षक मेखलाएँ। क्या है? रक्षक मेखलाएँ। अपना पांचवा पॉइंट आता है रक्षक मेखलाएँ, जिसमें क्या होता है तटीय या शुष्क भाग जो होते हैं, प्रदेश जो होते हैं, वहाँ पर एक कतार में क्या है वृक्ष लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नारियल के पेड़ लगाए होते हैं लगातार एक लाइन में। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा जो नहरें हमारे जिस क्षेत्र से गुजरती हैं, ठीक है, या नदियां जिस क्षेत्र से गुजरती है उसके चारों ओर लगभग क्या है पेड़ लगाए हुए होते हैं लोगों के द्वारा एक समांतर लाइन में लगातार, लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, खेतों की जो चार दीवारी होती है, बाउंड्री होती है, उसके समांतर लोग क्या है पेड़ लगा के रखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पेड़ है वो वहाँ की मिट्टी की नमी बनाए रखेंगे, आर्द्रता बनाए रखेंगे और मिट्टी की पकड़ बनाए कर रखेंगे, वहाँ पर उस मिट्टी को क्या है हटने नहीं देंगे। ये नहीं है कि पानी के साथ हवा के साथ तेज वो क्या है मिट्टी का आवरण जो है वो बहकर चला जाए, वो उस मिट्टी के आवरण को क्या है रोक कर रखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना चट्टान बांध, उसके रूप में कार्य करते हैं। जैसे देखिए कि जो जल का प्रवाह है उसको कम करने के लिए या मृदा की क्षति को रोकने के लिए है वो चट्टानीय बांध के रूप में तैयार किए जाते हैं। जैसे क्या है छोटी छोटी चट्टाने के रूप में उसको रोक दिया जाता है या छोटे छोटे अवरोध बना दिए जाते हैं जलीय क्षेत्रों के भाग में, पत्थर डालकर मिट्टी डालकर या छोटे छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाकर उसको क्या है इस प्रकार से बांध बनाकर रोका जाता है ताकि मृदा की जो क्षति है वो बिल्कुल कम हो। नेक्स्ट है बीज की फसल उगाना, ये सबसे अच्छा उपाय है खेतों वगैरह के लिए। खेतों में क्या है ये बहुत अच्छे रूप में काम में आता है। लास्ट जो उपाय है अपना वो कि जो फसल है, मान लीजिए ये खेत है, इसमें लगातार जैसे एक सीध में क्या है फसल उगाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, अब जो बाकी का जो क्षेत्र बचता है ना वहाँ की मिट्टी कटाव आसानी से लेती है, कटाव बहुत जल्दी होता है। इसके बजाय क्या होगा फसलों को क्या है बीच बीच में जो क्षेत्र बच जाता है वहाँ पर भी क्या है फसलों को लगाना चाहिए। जैसे क्या है कुछ दूरी तो रखनी होती है हमें, क्योंकि पौधों के बीच में थोड़ी दूरी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल पास पास पौधे लगा दिए तो क्या है दोनों को बराबर लवण प्राप्त नहीं होंगे, जल की मात्रा प्राप्त नहीं होगी, जो जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं वो पूरी रूप से प्राप्त नहीं होगी। तो थोड़ी दूरी तो अपने को रखनी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी न रखकर, क्योंकि उससे कटाव ज़्यादा होगा, हमें क्या करना होता है दो दो फसलें क्या है बीच में लगा देनी चाहिए, जिसका फ़ायदा क्या होता है मिट्टी का अपक्षय कम होता है, जिसके लिए हमें क्या है हमारे खेतों में फ़ायदा डबल फायदा हो जाता है। एक तो साथ एक साथ में दो फसलें पैदा कर सकते हैं, दूसरा फ़ायदा क्या हो जाएगा कि हमें एक बार के खर्च में क्या है सारे लवण दोनों फसलों को पहुंचा दिए जाएंगे, दूसरा मिट्टी का अपरदन या अपक्षय या निम्नीकरण नहीं होगा। तो इस वीडियो में अपने क्या है क्या क्या देख लिया कि मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है, उसके संरक्षण के उपाय में मल्च बनाना, ठीक है, और वेदिका फार्म बनाना यानी सीढ़ीनुमा खेत बनाना, समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में पढ़ा, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध बनाना, बीज की फसलें उगाना, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा है। उसके साथ साथ क्या है भूसंकलन का जो टॉपिक है वो भी पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे जलीय संसाधन के बारे में जानेंगे कि जल क्या है, जिसके क्योंकि जल क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने पानी पीने के लिए यूज लेते हैं, फसल उगाने के लिए यूज में होते हैं, फैक्ट्रियों में चीज़ें बनती हैं उनको परिष्कृत करने के लिए, उनको साफ करने के लिए, यहाँ तक कि उनको बनाने के लिए सभी चीज़ों का आधार क्या है वो जल है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भूमि भी क्या है हमारे लिए आधार है, संसाधन क्या है आधार है, तो ये एक तरह से क्या है सभी संसाधनों के आधार हैं। ठीक है, जैसे अपने वनस्पति का उपभोग करते हैं वो भी हमारे लिए क्या है एक संसाधन है, लेकिन उसके लिए वो आधार क्या है भूमि है। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी के लिए आधार क्या है भूमि है। ठीक है,
और वनस्पति जो पैदा हो रही है उसके लिए आधारभूत संसाधन क्या है, जल भी है। तो ये सारे जो आधारभूत संसाधन हैं, वनस्पति है चाहे जल है चाहे मिट्टी है, वो इस चैप्टर में अपने क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो उनको पढ़ते हैं इस वीडियो में, यहाँ तक ही क्या है अपने कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल के बारे में जानेंगे। तब तक के इस चैप्टर, यहाँ तक के इस चैप्टर को आप याद करें, रिवाइज करें और यहाँ तक के होमवर्क को कंप्लीट करें। धन्यवाद।